Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. चंद्रमा पर भारतीय मनीषा पहुंची और चंद्रमा से हमारा संबंध युगों युगों का है। हर युग के कवियों ने चंद्रमा से संवाद किया है। मैं एक बिल्कुल सर्वथा नया गीत आपको सुना रहा हूं। गाइए, गुनगुनाइए और चंद्रमा को बताइए कि हमारा कितना पुराना से संबंध है। कि चांद ने कहा है एक बार फिर चकोर से, चांद ने कहा है एक बार फिर चकोर से, इस जन्म में भी जलोगे तुम ही मेरी ओर से। चांद ने कहा है एक बार फिर चकोर से, चांद ने कहा है एक बार फिर चकोर से, इस जन्म में भी जलोगे तुम ही मेरी ओर से। चांद ने कहा है, अब मैं संबंध बता रहा हूं। हर जन्म का अपना चांद है, चकोर है अलग, हर जन्म के आंसुओं की अपनी कोर है अलग, हर जन्म का अपना चांद है, चकोर है अलग, हर जन्म के आंसुओं की अपनी कोर है अलग। यूं जन्म जन्म का एक ही मछेरा है मगर, यूं जन्म जन्म का एक ही मछेरा है अलग, हर जन्म की मछलियां अलग है, डोर है अलग। यूं जन्म जन्म का एक ही मछेरा है मगर, हर जन्म की मछलियां अलग है, डोर है अलग। तो डोर ने कहा है मछलियों की पोर पोर से, डोर ने कहा है मछलियों की पोर पोर से, डोर ने कहा है मछलियों की पोर पोर से, इस जन्म में भी बिंधोगी तुम ही मेरी ओर से। चांद ने कहा है एक बार फिर चकोर से, चांद ने कहा है एक बार फिर चकोर से, इस जन्म में भी जलोगे तुम ही मेरी ओर से। चांद ने कहा है एक बार फिर चकोर से। और जिस मंच पर आदरणीय उदय प्रताप जी हों और डॉक्टर सरिता शर्मा हों, तो मुझे लगता है कि गीत प्रदर्शन का विषय नहीं, दर्शन का विषय होना चाहिए। तो मैं पंक्ति पढ़ रहा हूं, आपकी वाह चाहता हूं। कि हैं अनंत सर्ग और यह कथा विचित्र है, पंकज कहते हैं कमल को, हैं अनंत सर्ग और यह कथा विचित्र है, कीच में जन्म लिया है पर कमल पवित्र है। हैं अनंत सर्ग और यह कथा विचित्र है, पंक में जन्म लिया है पर कमल पवित्र है। यूं जन्म जन्म का एक ही वो चित्रकार है, यूं जन्म जन्म, अगली पंक्ति आपकी वहां मांगती है, यूं जन्म जन्म का एक ही वो चित्रकार है, हर जन्म की तूलिका अलग अलग ही चित्र है। तो ये कहा है तूलिका ने, ये कहा है तूलिका ने चित्र के चरित्र से, ये कहा है तूलिका ने चित्र के चरित्र से, इस जन्म में भी सजोगे तुम ही मेरी कोर से। बहुत बहुत बधाई, और हमारे यश का सूर्य आगे बढ़ रहा है। हम चंद्रमा को सूचित करना चाहते हैं, विश्व को सूचित करना चाहते हैं कि यशस्वी सूर्य अंबर चढ़ रहा है, तुमको सूचित हो। तो देखें आप भाषा के, यशस्वी सूर्य अंबर चढ़ रहा है, तुमको सूचित हो। विजय का रथ सुपथ पर बढ़ रहा है, तुमको सूचित हो। विजय का रथ सुपथ पर बढ़ रहा है, तुमको सूचित हो। एक विश्व स्पेस कन्वेंशन में जब एपीजे अब्दुल कलाम गए थे 80 के दशक में, तो अहंकार से लदे फदे एक विदेशी वैज्ञानिक ने उनसे पूछा था, भारत से आए हो, तुम्हारा सौर क्षेत्र में क्या योगदान है? जीरो। तो उन्होंने कहा कि हमारा योगदान जीरो है, इसीलिए आप सौर क्षेत्र में हो। तो